हाँ जी दोस्तों, अज आप पहुँचे हुए हाँ कलाड़े ते तुहानू दसांगे कि गुड़ है जिहड़ा वह किस तरह बनता। सामने तुसीं देख रहे हो गन्ने दे अंबार लगे हुए ने ते ये सामने जिहड़ा छप्पर इहदे विच गुड़ पक रहा हैगा। ये सामने दोस्तों सारा एरिया जिहड़ा हैगा इत्थे गन्ने टिके हुए ने ते ये सामने वीर जी गुड़ पैकिंग करके लोगों नूं दे रहे ने ते मैं तुहानू अगे दिखाउणा ते ये सामने ना जिहड़ा सारा ये गन्ना है खेत विचों कट के उदा जिहड़ा उपरला हिस्सा हुंदा जिहड़े पत्ते वगैरह तुसीं देख लैंदे हो जिसनूं कोआ कहिंदे आ उह अलग कट के ते इह डांगां वर्गे गन्ने हुंदे ने जिहड़े इह इत्थे लिआंदे जांदे ने। ते मैं वीर जी नाल गल वी करी सी कि इत्थे हरियाणे दे विच जिहड़ा गन्ना दा रेट आ उह 300 रुपए क्विंटल इस टाइम जदों इहनां ने खरीदिआ। तुहानूं अगे दिखाउणा इह सामणे ना जिहड़ा गन्ने नूं पीड़दा गन्ने दा रस कढ़दा इस नूं कहिंदे ने कलाड़ा। तो ये सामने ना कलाड़ा लग्या होया ये सामने वेस्टेज निकल रही है तो थले तो मैं दसूँगा कि रस है जिहड़ा रॉ भी कहिंदे आ रस कहिंदे ने आपां गन्ने दा यूज कह दिंदे आ वो थले निकल रहा। तो सामने वीर जी मैं इधर दी अगे दी जाके तुहानूं दिखाउणा तो किस तरह ने वीर जी अपने गन्ने वो कर रहे ने इहदे विच ला रहे ने दो दो कला कला दो दो इस तरह गन्ने ने जिहड़े वो लगाए जांदे ने। तो सामने दिखाउणा इक मिनट ये ना सारी जी है इंजन अटैच है मोटर नाल वैसे हम मोटर नाल भी अटैच हो गई मशीन है जी कलाड़ा आप देख रहे हैं सामने ये सारी ये अटैच आ इंजन नाल इंजन चल रहा इधर साइड से कुछ मोटर भी चलते वैसे ये इंजन से आते ना सामने देखो वीर जी गन्ने ये थुन रहे ने दे रहे जी वेस्टेज आ उस साइड निकल जाती है जोड़ा जूस हों अलग एक पाइप लगी है थले की वो सारा पाइप राही इकट्ठा होकर अगे थो दिखा मैं इधर एक धरिया होया ड्रम जी 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 बिल्कुल इना ये ड्रम यह सारा जोड़ा जूस है इकट्ठा हो जाता जो ये ड्रम भर जाता तो इनू ना एक वड्डी कड़ाही होंगी जी उस कढ़ लैंदा आ देखो कड़ाही दे विच कढ़ के ना इस तरह ये जो सामने देख लो तुसीं ये उत्ते ना झग जी आ जाती एक ब्लैक जी जिवें आपां कहिंदे उबालिया जाता उबाल उत्ते जिवें सुक्की चाह उबाल उत्ते सुक्की चाह नहीं आ जाती इस तरह ना उबाल कोई डक्के पत्ते होंगे माड़े मोटे जां जिहड़ी कोई कालसी हुंदी आ उह इहदी सारी उपर आ जाती है इनू इकट्ठी करी दिया सामने दिखाने तो मैं थोड़ा ये ना भर के रख देंगे ये बड़े बड़े थैलियां भर के रख क्योंकि ये चंगी तरह नुचड़ जाती है तो नुचण तो बाद सिर्फ कली कालस जी ही रह जाती है तो बाकी जी होंगी मन के चलो भी वो सुआज में कड़ देने तो जोड़ा चो रश हों सारा थले नुचड़ जाता है सारे भर परे लाए हुए जी मैली वैसे हरियाणा में मैली बोलते हैं वैसे आपू कपर इन झग जी आ जाती होंगी है कालसी आती है। तो ये देखो दोस्तों ना दो तीन इन्होंने बनाए हुए ने एक विच पहला गुड़ जांदा पहला सॉरी रस जांदा उस तो बाद एक दूजा लग्या होया उहदे विच जांदा फिर तीजा लास्ट है जिहड़ा सामने बई मार रहा खुरचणे जिहा मार रहा विच कड़छे मार रहा उह च ना पूरा संघना हो के जांदा ते जिहड़ा थोड़ा हल्का हुंदा पहले जमा पतला फिर दूजे च थोड़ा होर संघना तीजे जाके जमा पूरा गाढ़ा संघना बनता इहनू ना मार मार कड़छे पूरा वधिया बन जांदा जदों पूरा वधिया इह बन जांदा संघना हो जांदा फिर इहनू ना कढ लैंदे ने इह गर्म हुंदा बड़े सारे कोई भांडे दे विच जां कोई देगा वगैरह कह दी जां एक वैसे ना एक टब जिहा बणिया हुंदा जिवें आपां कह दी वी रेहड़ी जी दा फट्टा जिहा बणिया होया हुंदा उहदे विच कढ लैंदे ने इह ते उस तो बाद दो तीन तरीकियां नाल आ जिहड़ा उहनां चिर मारी नहीं जांदे बड़ी दा संघना हुंदा संघना आपां कहिंदे इह ब्लैक अपना कुछ जे बाला ज़्यादा रिज जे आवे तां ब्लैक जिहा हो जांदा ते नहीं इह हल्का जिहा हो जांदा हल्का पिंक जिहा हो जाता इहदा रंग दिखाउणा मैं एक मिनट अगे बाकी ना ऐ गुड़ विच रंग रुंग पा दिंदे ने काफ़ी जिवें खट्टा रंग पा दिंदे ने गुड़ दे विच ते जां इह हल्का प्याजी जिहा रंग पा दिंदे ने इहदे विच ते इह ना आ वड्डे भांडे ने जिहड़े इहनां विच कढ लैंदे ने। इह तों बाद जदों इह मन के चलो थोड़ा टाइम लगदा ठर जांदा इह ठरन तों बाद इहदियां बर्फियां वांगू कट्टदे ने आपां हुण देखिया होणा कई वारी डब्बियां वगैरह विच आउंदा गुड़ बर्फियां वगैरह कट्टियां होंदियां ने ते जां इहदे विच जिहड़ी लगी हुई है इहदे उत्ती ना अपनी सौंफ ते जिहड़ी हुंदी मूंगफली वह भी इहदे ला लैंदे ने ते जे ज़्यादा वह करना हो सुका रहिण ते उहनूं भन्न के इहदी शक्कर भी बना लैंदे ने कि सामने इहनां ने डले वट रखे ने गुड़ दे सारे डले वटे आंदे ने इहदे बर्फियां बनाई जांदियां इहदियां शक्कर भी इहदी जिहड़ी हैगी आ बन जांदी आ ते गुड़ उस तो बाद इह तां कलाड़े ते लोक वैसे ही खरीदण आ जांदे ने खरीद हुण इत्थे खरीदण वाले बहुत आए ने लोक पर इह कलाड़ा तों गुड़ जिहड़ा तिआर हो के बाहर अंदर भी जांदा ते जिहड़ी उहदी गन्ने दी वेस्टेज हुंदी आ वह पका वेस्टेज ही अग मचाने के काम आ दोस्तों
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਸ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਸਟੇਜ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਬਦੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਤੋਕਾ ਵੀ ਰਸਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ।